नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। हर्रैया तहसील पर सपा के नेताओं ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। बस्ती जिले के हर्रैया तहसील में सपा नेताओं ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महंगाई, भ्रष्टाचार और चुनाव में हुई अनियमितता आदि विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। तहसील मुख्यालय हर्रैया पर सपा कार्यकर्ताओं ने SDM हर्रैया के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। इस प्रदर्शन के मद्देनजर तहसील परिसर में CO हर्रैया शेषमणि उपाध्याय, SHO हर्रैया बिंदुश्वरी मणि त्रिपाठी आदि सहित भारी फोर्स तैनात रही। वहीं वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है और ऐसा कभी न भविष्य में हो सकता था। ऐसे में यह सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। सपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम, खाद्य सामग्रियां, रसोई गैस, किसानों के गन्ने का भुगतान, महिलाओं की सुरक्षा आदि ऐसे 16 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा नेता सिद्धार्थ ने भी वर्तमान सरकार की कटु आलोचना करते हुए बताया कि किसी भी लोकतंत्र का अपमान इस तरह से नहीं हुआ। ऐसी रवैया प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह, निर्मल सिंह, नरेंद्र वर्मा, पप्पू वर्मा, अमृतनाथ, अनिल पटेल, इंजीनियर मनोज कुमार वर्मा, श्याम सुंदर यादव, विधानसभा अध्यक्ष मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड युवा नेता चौधरी मुन्ना भाई पटेल, हजारों सपा का नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता अशोक कुमार की खास रिपोर्ट छावनी बस्ती से। लोकतंत्र के जनादेश की जिस तरीके से इन्होंने लूट की है, तो आज प्रदेश में पूरे महंगाई, देश में जो महंगाई है, हमारे माताओं बहनों की रसोई तक इन्होंने छीनी है। पेट्रोल डीजल के मूल्य कहां पहुंच गए आप देख रहे हैं। आम गरीब की सब्जी आज वो नहीं खरीद के खा सकता है। कमर तोड़ महंगाई है आज, गुंडागर्दी चरम पे है उत्तर प्रदेश में। ऐसे तमाम नौजवानों को रोजगार नहीं, नौकरी इन्होंने अलग छीनी। कोविड में जो सरकारों का जो रोल होना चाहिए था, उस रोल को इन्होंने अपने तोड़ा है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन देने के काम किया है और पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का काम किया है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्रैया तहसील पे आज हम लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति? आगे समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक उतरने जा रही है और कहीं ना कहीं इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उन गरीबों को जवाब देना पड़ेगा, किसानों को जवाब देना पड़ेगा, मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा और आम जो नौजवान है उसको जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है, अभी टिकने वाली नहीं है। को लेकर के और किन मुद्दों पे जो है ज्ञापन सौंपा है? हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि जो ये जो चुनाव हुआ है पंचायत का, जिसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का, इसमें हत्या हुई है लोकतंत्र, पुनः इसकी जांच कराई जाए और सही ढंग से चुनाव कराने का काम सरकार करे। दूसरे मांग है जो महिलाओं पर अत्याचार किया गया, आपने देखा होगा किस तरह चीरहरण किया गया, महिलाओं पर जो अत्याचार किया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, 100 के पार पहुंच गए हैं, उसका दाम वापस किया जाए। किसानों की कमर टूट रही है, इस दाम से उनकी बुआई जुताई नहीं हो पा रही है। दूसरा जो है समर्थन मूल्य है, जो गेहूँ का, धान का, उस दाम पर गारंटी दे सरकार खरीदने को, और जो काला कृषि कानून है उसका वापस लेने का काम करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग तहसील प्रांगण में आए हुए थे। माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय